हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मुझे आज आईओएस डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के बारे में बताना है कि अगर आपको आईओएस डेवलपमेंट स्टार्ट करनी है तो उसके लिए एनवायरनमेंट क्या चाहिए होता है। तो स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से। इसके लिए आईफोन एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए आपको एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करने होते हैं। जो लेटेस्ट एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है वो मैक ओएस कैटालिना चल रहा है, जिसका लेटेस्ट जो वर्जन है वो 10.15.5 है। उससे पहले जो वर्जन आया था वो 10.14.6 था, राइट? और जो है बताना ये था आप लोगों को कि अगर आप लोगों की मशीन थोड़ी पुरानी है, मतलब कि लेट आपका फिफ्थ जनरेशन है, लेट 2014 या 2012 मशीन है, तो आई वुड रिकमेंड यू टू गो फॉर मैक ओएस मुहावे। अदरवाइज अगर आप मशीन अच्छी, आपकी कोर i7 है आपके पास तो, और आपकी लेटेस्ट सारी कॉन्फ़िगरेशन है, SSD की सपोर्ट है, देन आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर मैक ओएस कैटालिना, बिकॉज इट इज़ अ लेटेस्ट वर्जन ऑफ आवर एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहे होते हैं आपके आईफोन एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। यहाँ तक थी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात। अब मैं आगे लेके चलूँ आप लोगों के, आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए जो मैक यूजर्स हैं वो, और जो नॉन मैक यूजर्स हैं वो। तो पहले बात करते हैं नॉन मैक यूजर्स की, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास जो है वो विंडोज पीसी होते हैं। तो बेसिकली मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, 2.5 GHz का अगर आपके पास प्रोसेसर है, ठीक है, आपके पास 12 GB रैम है, राइट, और आपकी 500 GB हार्ड ड्राइव है और फिफ्थ जनरेशन प्रोसेसर है, देन यू आर गुड टू गो। सेम गोज फॉर मैक रिक्वायरमेंट। अगर मैक के पास भी आपकी यही सेम रिक्वायरमेंट है तो आप जो है वो डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं Xcode 11 के साथ। Xcode 11 क्या है? Xcode 11.5 बेसिकली एक एप्पल डेवलपर का टूल है जो कि आईफोन एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। सारी आईफोन एप्स जो है वो कोर जो डेवलप हो रही होती है वो एक्सकोड पे डेवलप हो रही होती है। हम इसको एज अ ट्रेनिंग के तौर पे ये टूल आपका जो है बेसिकली यूज होगा। ये जो फर्स्ट लॉन्च हुआ था वो 2003 के अंदर लॉन्च हुआ था, उसके बाद इसके सबसीक्वेंट वर्जन आना स्टार्ट हो गया, अब इसका 11.5 वर्जन चल रहा है, ठीक है। तो हमारा जो टूल है, जो कोर टूल यूज होगा, उसमें एक्सकोड टूल यूज होगा। तो एक्सकोड टूल अवेलेबल कहाँ होगा? तो पहले मैं ये बता दूं, अगर आप ऐप स्टोर पे जाते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है, ये एप्पल का ऐप स्टोर है, मैंने खोला, तो आप यहीं पे सर्च करेंगे। ये मेरे पास जो मशीन है वो एक कैटालिना पे है, तो कैटालिना पे आपको इसका लेटेस्ट वर्जन जो है वो एक्सकोड 11 जो है आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे ओपन शो कर रहा है। ओपन इसलिए शो कर रहा है क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी अपने सिस्टम में डाउनलोड कर चुका हूँ। तो हैमर तरीके का आइकन आएगा, एग्जैक्टली मेरे पास भी इस तरह का हैमर आ रहा है। तो यहाँ से आप एप्पल के ऐप स्टोर से इसको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप सेम गोज फॉर मैक ओएस मोहावे, लेकिन वहाँ पे आपको लेटेस्ट वर्जन जो उसको जो मोस्ट अपडेटेड वर्जन मिलेगा वो 11 मिलेगा, लेकिन उस पे स्विफ्ट का कोड रन हो जाता है, जो मैं आने वाले वीडियोस के अंदर बात करूंगा। अब बात करते हैं लैंग्वेज की। जो हम लोग लैंग्वेज जो यूज करेंगे आईओएस एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए वो हम स्विफ्ट यूज करेंगे। स्विफ्ट जो है 2014 में एप्पल ने लॉन्च की थी, उससे पहले ऑब्जेक्टिव सी यूज होती थी आईफोन एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। ये लेटेस्ट लैंग्वेज है, तो मेरी जो है मैं जो सिखाऊंगा आप लोगों को लैंग्वेज, वो स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाऊंगा, जो कि हम एक्सकोड का टूल यूज करते हुए करेंगे। अब आगे बात करते हैं प्लेग्राउंड क्या चीज होती है। प्लेग्राउंड बेसिकली एक्सकोड के अंदर एक टूल है जो कि सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए एप्पल ने बनाया हुआ, एम्बेड किया हुआ है। तो इस टूल को यूज करते हुए हम बेसिकली सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं, ठीक है। तो मैं इसका थोड़ा आपको ट्यूटोरियल दे दूं कि बेसिकली इसको यूज कैसे करते हैं। मैं इसको जरा ओपन करता हूँ कि बेसिकली अगर आप इसकी विंडो खोलेंगे तो ये, मैं इसको प्रैक्टिकली पहले समझा दूं, फिर इसको मैं इम्प्लीमेंट करवाता हूँ। ये जो आपको बीच में 1 नज़र आ रहा है, ये आपका सोर्स एडिटर कहलाता है, ठीक है। नंबर 2 में आपका रिजल्ट साइड बार है, ठीक है। ये आपके नंबर 3 के अंदर जो है वो एग्जीक्यूशन कंट्रोल है, ठीक है। और नंबर 4 के अंदर एक्टिविटी व्यूअर है, अगर आपका कोड रन होता है, रेडी हो रहा है या कंपाइल हो रहा है, तो यहाँ पे स्टेटस शो हो रहा होता है, तो ये एक्टिविटी बता रहा होता है। फिफ्थ के अंदर आपके आते हैं पैनल कंट्रोल्स, इसके अंदर एक्स्ट्रा, फॉर एग्जांपल अगर मुझे फाइल मैनेजर देखना, अपनी फाइल्स कौन सी हैं, या मुझे एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर या कनेक्शन इंस्पेक्टर देखने, एडिशनल फीचर्स होते हैं एक्सकोड के अंदर, तो वो इससे शो हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है इसके अंदर फीचर अवेलेबल है। तो हम एक बेसिक सा अपना एक प्रिंट स्टेटमेंट का कोड देखते हैं कि वो प्ले ग्राउंड पे कैसे आपका एग्जीक्यूट होता है। तो
तो मैं पहला आप लोगों फर्स्ट आप लोगों का ये है कि मैंने इसको ओपन किया एक्सकोड, तो आपके अंदर तीन ऑप्शन आ रहे होते हैं, गेट स्टार्टेड विद द प्लेग्राउंड, क्रिएट अ न्यू एक्सकोड प्रोजेक्ट और क्लोन एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। सबसे पहले मैं जाऊंगा, अगर मुझे स्विफ्ट का बेसिक कोड यूज करना है तो हम गेट स्टार्टेड विद प्लेग्राउंड से करेंगे, क्योंकि हम स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं। जब इसको मैं खोलूंगा तो वो मुझसे पूछेगा, एक फाइल बनी हुई आएगी मेरी इस तरह की, इसमें स्विफ्ट का लोगो होगा, पूछता होगा कि आपको कहाँ इसको सेव करवाना है। तो मैं नेक्स्ट करूंगा और मैं यहाँ लिख देता हूँ माई फर्स्ट स्विफ्ट प्रोग्राम, राइट। मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लिया, तो आपको इस तरह की विंडो खुली हुई नजर आ जाएगी, राइट। नजर आ रहा है, ये आपका पैनल कंट्रोल्स आ गए आपके सारे, ठीक है, जिससे आपको नजर आ रहे हैं। और ये आपका जो है वो एग्जीक्यूशन कंट्रोल, ये आपका रिजल्ट साइड बार, और ये आपका सोर्स एडिटर, राइट। अब एक सिंपल फिलहाल ये वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स की, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी बात करूंगा कि स्विफ्ट के अंदर वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। अभी फिलहाल एक सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट से हम लोग जो है बेसिकली इसको स्टार्ट लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट देता हूँ, मुझे प्रिंट स्टेटमेंट देनी है और एग्जीक्यूट कराता हूँ, दिस इज माई फर्स्ट iOS first Swift program, right? अगर मैं इसको प्ले करूं एग्जीक्यूशन कंट्रोल से, देखें ये रिजल्ट आ रहा है, ये रिजल्ट आपका साइड बार पे भी शो हो रहा होता है, ये एक इंटरप्रेटर की तरह काम कर रहा होता है साइड बार, और ये जो एग्जीक्यूशन कंट्रोल है वो पूरा कोड कंपाइल आपको दे रहा होता है, मतलब ईच स्टेटमेंट आपकी जो यहाँ पे राइट पे एज ए इंटरप्रेटर की तरह यहाँ पे यूज हो रही होगी। तो ये था आपका बेसिकली, आपको आइडिया हो गया होगा कि हम लोग बेसिकली आने वाली वीडियोस के अंदर जो हम लोग कोड सीखेंगे स्विफ्ट का, वो बेसिकली प्लेग्राउंड पे सीखेंगे, तो यहाँ से आपका कोड कंपाइल हो जाता है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ मिस्टेक कर देता हूँ तो इवेंचुअली मुझे वो एरर भी शो कर देता है कि आपके पास ये एरर आ रहा है। तो ये रिजॉल्व हम लोग करना सीखेंगे बेसिकली एरर बग्स क्या होते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको ये मजीद ब्रीफ करूँगा। तो यहाँ तक थी बात स्विफ्ट के प्लेग्राउंड की बेसिक। अच्छा, अगर आप लोग नॉन मैक यूजर हैं क्योंकि आपके पास एक्सकोड नहीं होगा, राइट, तो आपको इवेंचुअली सीख कैसे सकते हैं, तो मुझे इसके बारे में बताना था आपको कि आप स्विफ्ट के अलावा भी आप ऑनलाइन कंपाइलर्स के थ्रू अपना कोड कंपाइल करके देख लेते हैं। तो ये जे डूडल एक वेबसाइट है ऑनलाइन कंपाइलर्स की, एक आपका आई स्विफ्ट प्लेग्राउंड है, एक रेपलेट है, एक प्याजो है। तो बेसिकली मैं इसको एक जे डूडल पे आपको कंपाइल करके सेम कोड दिखाता हूँ कि कैसे हम स्विफ्ट का कोड हमारा कंपाइल हो जाता है। मैंने इसको प्ले किया और यहाँ पे मैंने लिखा भाई सेम प्रोग्राम प्रिंट का, ये मेरा नजर आ रहा है आपका सोर्स एडिटर, दिस इज माय फर्स्ट iOS प्रोग्राम, राइट, फर्स्ट स्विफ्ट प्रोग्राम। मैंने इसको प्ले किया तो एग्जीक्यूशन लाइन पे आपका प्ले हो जाता है। कभी कभार थोड़ा टाइम लगाता है तो उसके इंडिविजुअल अलग अलग कंपाइलर्स भी ऑलरेडी मौजूद है। तो ये अगर आपके पास विंडोज पीसी है तो आप बेसिकली आप ये ऑनलाइन कंपाइलर्स यूज करते हुए भी आप सिर्फ एटलीस्ट सीख सकते हैं। तो अगर इसी तरह आपका ये रेपलेट है तो रेपलेट पे भी मैं उसको प्ले करके दिखा देता हूँ आपको, ऑनलाइन कंपाइलर्स के थ्रू भी आपका स्विफ्ट का कोड ईजीली कंपाइल हो जाता है, ठीक है। कभी कभार थोड़े टाइम भी ले रहे होते तो जो है बेसिकली जो है टाइम काफी कभी कभार आपके जो है थोड़ा सा टाइम लेगा। यहाँ पे अगर मैं इसको प्ले करूँ ये आ गया मेरा, प्रिंट किया मैंने यहाँ पे, दिस इज माय फर्स्ट स्विफ्ट प्रोग्राम, राइट। इसको प्ले किया तो आपका राइट में यहाँ पे आपका प्रिंट स्टेटमेंट में आपको रिजल्ट नजर आ रहा होता है, नजर आया आपको, दिस इज माय फर्स्ट स्विफ्ट प्रोग्राम, राइट। तो बहुत सारे ऑनलाइन कंपाइलर्स भी हैं जिसके थ्रू लैंग्वेज सीखी जा सकती है। तो अच्छा जी, यहाँ तक तो बात थी आपकी उन लोगों की जिनके पास मैक ओएस सपोर्टेड है, वो ये ऐप स्टोर से फ्री जो है एक्सकोड यूज करते हुए ये सब चीज़ें एक्सकोड एज अ टूल आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ उन लोगों से जिनके पास नॉन मैक यूजर हैं, जो HP डेल या लेनोवो के लैपटॉप्स वगैरह यूज़ करते हैं या जिनके पास डेस्कटॉप पीसीज हैं, तो उनको ये बताना था अगर आपको मैक ओएस यानी कि एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है तो उसके तीन तरीके होते हैं। पहला आपका तरीका होता है वर्चुअल बॉक्स का,
ये सबसे बगी तरीका और मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन इसके थ्रू भी सेटअप किया जा सकता है। दूसरा तरीका मोस्ट रिकमेंडेड है, जो मेरे अक्सर ऑनलाइन स्टूडेंट और ऑनसाइट स्टूडेंट यूज कर रहे होते हैं जिनके पास मैक ओएस नहीं है, तो वीएमवेयर इंस्टॉलेशन आपकी जो है इसके थ्रू हो रही होती है, राइट। मैंने मिनिमम रिक्वायरमेंट्स आपको पहले बता दी थी कि आपके अगर 12 GB रैम है आपके सिस्टम के अंदर और आपके पास 2.5 GHz प्रोसेसर है और 5th जनरेशन का आपके पास इंटेल का प्रोसेसर है, तो आपकी मैक ओएस की इंस्टॉलेशन आराम से हो सकती है। और तीसरा जो तरीका हैकेंटॉश का, हैकेंटॉश एक ऑप्टिमम परफॉर्मेंस दे रहा होता है लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है। तो हम पहले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि पहले मैं बात कर लेता हूँ वीएमवेयर, जो सबसे मोस्ट रिकमेंडेड अप्रोच है। तो वीएमवेयर पे अगर मैंने बेसिकली स्लाइड आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इसकी एक लिंक मैंने आपको दी हुई है यहाँ पे, अगर आप इस लिंक पे जाएंगे, इसको कॉपी किया यहाँ पे मैंने, इसको पे क्लिक किया, तो इस वेबसाइट के अंदर आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताया हुआ है किस तरह आप डेस्कटॉप पे अपने डेस्कटॉप पीसी पे, अगर आपके पास विंडोज 8, विंडोज 9 या विंडोज 10 इंस्टॉल्ड है, तो ये आपको एक सिंगल लिंक के अंदर पूरी गाइड मिलेगी किस तरह आप जो है वो मैक ओएस सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए ये विंडोज का आपको नजर आ रहा है यहाँ पे सेटअप वगैरह, तो ये आपसे पहले डाउनलोड कराएगा आईएसओ फाइल। आईएसओ फाइल की लिंक मैंने यहाँ दी हुई, यूजुअली सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग ये काम होता है कि आईएसओ फाइल मिलती नहीं, तो मैंने इसकी डाउनलोडिंग आपको प्रोवाइड कर दी ऑलरेडी, तो आप वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे भी लिंक दी हुई और मैंने अलग से इसका लिंक भी दिया हुआ है, तो अगर देखें तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आपका इवेंचुअली मैक ओएस जो है वो इजीली सेटअप हो जाता है। तो वीएमवेयर इज द मोस्ट रिकमेंडेड अप्रोच फॉर नॉन मैक यूजर्स टू इंस्टॉल मैक ओएस, राइट। इसी तरह आपका ये तो मुहावे का था, आप इसी तरह सेम अगर चले जाएं तो कैटलिना पे भी ये चीज सेटअप हो जाती है, तो मैंने दोनों दे दिए कि आप मुहावे पे करें या कैटलिना पे पढ़ें, कैटलिना पे करें तो बेसिकली ये चीज़ें जो है आपकी इंस्टॉलेशन में आपको काफ़ी हेल्प आउट करेंगी। तो यहाँ पे अभी अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे भी कैटलिना के इन्होंने स्टेप्स वगैरह सारे दिए हैं, तो कैटलिना इंस्टॉल करना है, अगर सिस्टम अच्छा है तो कैटलिना पे जाएं, अगर सिस्टम अच्छा नहीं है तो मैक ओएस मुहावे पे आप जाएं। अच्छा, उसके बाद मुझे क्या डिस्कस करना था, मैं आपसे डिस्कस करना था वर्चुअल बॉक्स। कभी कभार इश्यूज होते हैं कि वीएमवेयर के इंस्टॉलेशन पे, कभी कभार बहुत रेयरली ऐसा होता है कि मसले आते हैं, तो लोग वर्चुअल बॉक्स के सोल्यूशन में चले आते हैं। तो सेम स्टेप्स जो है इन्होंने इन वेबसाइट्स के अंदर दिए हुए, यहाँ पे भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है वर्चुअल बॉक्स का। तो फर्क क्या है वर्चुअल बॉक्स और वीएमवेयर के अंदर, फर्क कुछ नहीं है। आपका जो वर्चुअल बॉक्स है वो आपका जो है ओरेकल का वर्चुअलाइजेशन फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, और बाकी वीएमवेयर जो है वो आपका डेल कॉर्पोरेशन की तरफ से है। तो ब्रांड दोनों के डिफरेंट है लेकिन सॉफ्टवेयर दोनों सेम, जो बेसिकली काम क्या कर रहे होते हैं, ये आपकी करंट जो विंडोज 8 या विंडोज 10 पे या विंडोज 7 पे आपका एक वर्चुअलाइज्ड इन्वायरमेंट दे देते हैं मैक ओएस का, तो वो बेसिकली आपकी एक ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाता है, राइट। हैकेंटॉश इज अ डिफरेंट थिंग। हैकेंट, अब इसमें फायदा क्या है वीएमवेयर के इंस्टॉलेशन में, क्योंकि ज्यादातर जो मेरे साथ स्टूडेंट्स होते हैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हो रहे होते हैं, उनका विंडोज का भी काम होता है, उनका मैक ओएस का भी काम होता है, तो दोनों अगर जिनको सिस्टम्स ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने होते हैं तो वो वीएमवेयर वर्चुअल बॉक्स पे जाते हैं। हैकेंटॉश का ड्रॉबैक ये है, ये तो ऑप्टिमम परफॉर्मेंस देता है लेकिन मसला ये कि आप एक वक्त में एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे होते हैं। ये करता है क्या, पूरी आपकी जो फॉर एग्जाम्पल एआरएम की मशीन है या इंटेल की मशीन है, उसको पूरा का पूरा पूरी 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 की पूरी मशीन को मैक ओएस बना देता है। मतलब आप विंडोज नहीं रख सकते, एक ऑपरेटिंग, एक सिंगल वक्त में एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम आपका ऑपरेट हो सकता है यूजिंग हैकेंटॉश। तो हैकेंटॉश की भी मैंने डिटेल गाइड दे दी और मैं आपको कॉन्टैक्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर, जो इंस्टॉलेशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं कराची के अंदर। तो अगर आपको हैकेंटॉश की इंस्टॉलेशन सीखनी है तो इसकी भी मैंने लिंक प्रोवाइड आपको यहाँ की हुई है, तो इसके थ्रू भी आपको काफ़ी सारी गाइड मिल सकती है कि किस तरह आपका सिस्टम जो है वो कन्फिगर हो सकता है। इट्स अ बिग टेक्निकल प्रोसेस बट यू कैन यू विल बी एबल टू डू सो। तो ये जो चीज़ें हैं सारी की सारी इन दो वेबसाइट्स के अंदर सारी गाइड मिल जाएगी। इसका फोरम, डिस्कशन फोरम वगैरह होता है तो वहाँ पे लोग हेल्प आउट कर रहे होते हैं। तो कंपैटिबिलिटी इश्यूज हो गए आपके, हैकेंटॉश के ट्यूटोरियल वगैरह होते हैं, क्योंकि हर डिवाइस हर सिस्टम के लिहाज से इसकी जो है कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होती है, तो इट्स अ बिट टेक्निकली डिफिकल्ट है इसको इंस्टॉल करना, लेकिन इवेंचुअली हो जाता है, क्योंकि कभी कभार आपको SSD की सपोर्ट चाहिए होती है, कभी कभार आपको राउटर या वाईफाई को सपोर्ट को लगा के कन्फिगर करना होता है। तो लेकिन यूजुअली जो है ये वो लोग कर रहे होते हैं जिनको सिर्फ एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलाना होता है, जिनको अपनी डेस्कटॉप पीसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो मेरे तरफ से तो ये है कि अगर आपको दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करने हैं, विंडोज भी यूज़ करना है और आपको मैक ओएस भी यूज़ करना है, तो गो फॉर वीएमवेयर। ये मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कर दी।
उसके बाद बात करते हैं अपनी आईओएस डेवलपमेंट टूल्स, मजीद टूल्स की। इन टूल्स के बारे में सिर्फ आप लोग देख लेंगे, प्रोफेशनल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट जो होता है आपका, भले आपकी फ्रीलांस कर रहे हो, भले आपकी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो या आपकी सर्विस बेस्ड कंपनी हो, तो एक्सकोड के अलावा भी बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के अंदर काम आ रहे होते हैं, जिसमें आपका सीक्वल प्रो हो गया, कॉन्फ्लुएंस हो गया, क्रैशलिटिक्स हो गए, जेप्लिन हो गया, चार्ज हो गया, बॉक्स हो गया। तो ये जो है, जब मैं मजीद वीडियोस बनाता जाऊंगा तो इस टूल्स पर ब्रीफ देता जाऊंगा। अभी फिलहाल आपको सिर्फ एक्सकोड इंस्टॉल करने की जरूरत है। ये तो फिलहाल आपकी जनरल नॉलेज के लिए मैं बता दिया कि कौन कौन से ऐसे टूल्स होते हैं जो आईओएस डेवलपमेंट में यूज हो रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ द टूल फ्री हैं, कुछ पेड हैं इसके अंदर, जैसे चार्ज बेसिकली पेड है आपका, जीरा जो है वो बेसिकली पेड है, लेकिन बाकी सारे टूल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो फिलहाल अभी आपको करना बेसिकली ये है कि आपको जो है वो ऐप स्टोर से एक्सकोड इंस्टॉल कर लेना, दैट्स इट। तो आने वाली वीडियोस के अंदर में जब आपका एक्सकोड इंस्टॉल हो जाएगा, यूजुअली 8 GB का सेटअप होता है, तो मैं वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स पे मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी तो मैं आपको मजीद गाइड करूंगा। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट लेंगे, वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट से चलेंगे, टाइप इन्फेरेंस क्या होती है और जो है टाइप कास्टिंग क्या होती है, तो मैं बिल्कुल आपको चैप्टर नंबर वन से स्टार्ट करूंगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आप लोगों को कोई इशू होता है आईओएस डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सेटअप करने में, तो प्लीज लेट मी नो एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।